गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। हम लोगों की आज सीरीज़ का चौथा पार्ट है। हम लोग चौथे सीरीज में कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसमें हम लोग जो आपको बताने वाले हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको उसके सॉल्यूशन या उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो एक्सेसिव इंजन ऑयल कंजप्शन या ऑयल लीकेज, कई बार ऑयल लीकेज होती है या ऑयल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसके पीछे के रीजन हम लोग जानते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि ऑयल कंजप्शन क्यों ज़्यादा हो रही है। सिलेंडर हेड गास्केट डैमेज हो सकता है, सिलेंडर के ऊपर जो इंजन में जो सिलेंडर हेड होता है उसकी जो मेन गास्केट होती है वो कई बार डैमेज हो जाती है, उसके बीच में होल हो जाता है या बीच में गैप आ जाता है जिसकी वजह से इंजन ऑयल कंजप्शन बढ़ जाता है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। ऑयल सील लीकेज फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट पुली, क्रैंकशाफ्ट की जो मेन पुली होती है, जिस तरफ पुली होती है उस तरफ जो ऑयल सील होती है बड़ी वाली, वो कई बार लीकेज हो रही है तो उसके वो जो है वो लीक कर गई है, तो उसकी वजह से लीकेज बढ़ जाएगी और फ्यूल ऑयल जो कंजप्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो वो विजिबली आप विजुअली देख सकते हैं, अंडर बॉडी में आपको नजर आ जाएगा कि ऊपर से भी नजर आ जाता है, ऊपर से तो वैसे नहीं आएगा नजर, अंडर बॉडी से आपको जो है सम की तरफ से निकलता हुआ नजर आ जाएगा कि ऑयल लीकेज कर रहा है। रियर ऑयल सील लीकेज, क्रैंकशाफ्ट में जो है पीछे की तरफ भी एक ऑयल सील होती है, दो होती है, एक पुली की तरफ होती है और एक इधर गेयरबॉक्स होता है उस तरफ भी ऑयल सील होती है, तो अगर गेयरबॉक्स की तरफ ऑयल सील लीक है तो उसका पता भी चल जाएगा, उसका गेयरबॉक्स के बीच में और इंजन के बीच में जो गैप होता है उसमें से पता जाएगा कि लीकेज हो रही है। सिलेंडर हेड कवर गैस्केट लीकेज, सिलेंडर हेड का जो कवर होता है उसमें जो एक मोटी गैस्केट होती है वो कई बार लीक कर रही होती है, तो हल्का हल्का वो लीक कर जाता है। उसके लीक करने के पीछे एक रीजन और होता है कि हम लोग कई बार सर्विस करते हैं और सर्विस करने के दौरान हम लोग जो उसमें बोल्ट लगे होते हैं उसके ऊपर टॉर्क ज्यादा लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्म होने की वजह से वो लीक कर जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें 12 NM से ऊपर की टॉर्क जनरली नहीं लगती है, जो सिलेंडर हेड गैस्केट होती है उसमें 12 NM के आसपास टॉर्क लगेगी। बोल्ट का साइज देख के आपको लगानी है, अगर 10 नंबर का बोल्ट है, 8 नंबर का बोल्ट है, तो 12 NM से ऊपर की टॉर्क नहीं लगती, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये रीजन हो सकते हैं ऑयल कंजप्शन के, कि जिसकी वजह से वो जो है ज़्यादा लीकेज हो रही है, ऑयल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ये रीजन्स हो सकते हैं। ऑयल अंडर कंबशन चैम्बर, अगर ऑयल जो होता है वो कंबशन चैम्बर में अंदर जा रहा है और ऑयल कंजप्शन बढ़ रही है, तो और रीजन क्या हो सकता है उसके पीछे? ये तो एक प्रॉब्लम बता दी मैंने आपको कि कंबशन चैम्बर में जो है ऑयल जा रहा है और ऑयल कंजप्शन बढ़ गई है, तो रीजन्स इसके कि पिस्टन रिंग जो है वो चिपक जाते हैं कई बार सिलेंडर बोर के साथ में, जिसकी वजह से वो चिपक के चलते हैं और फिर ऑयल कंजप्शन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑयल जो है उसकी मदद से ऊपर की तरफ पहुंचने लग जाएगा और कंबशन चैम्बर में बर्न होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से गैप आ जाता है। वन पिस्टन एंड सिलेंडर, पिस्टन या फिर सिलेंडर का जो बोर होता है उसके बीच में गैप हो जाता है, वो घिस जाता है, घिसने की वजह से गैप आ जाएगा दोनों के बीच में, और ऑयल जो होता है वो नीचे से ऑयल सम की मदद से ऑयल सम में से लिफ्ट होना शुरू हो जाता है कंबशन चैम्बर की तरफ, जिसकी वजह से जो है वो जलना शुरू हो जाएगा कंबशन के दौरान, तो उसकी वजह से भी ऑयल जो होता है वो कंबशन चैम्बर में पहुंचता है। वन पिस्टन रिंग्स एंड ग्रूव एंड रिंग्स, पिस्टन के जो रिंग्स होते हैं या उसके जो ग्रूव होते हैं या जो रिंग होते हैं वो कई बार घिस जाते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से पिस्टन और रिंग के बीच में रिंग और सिलेंडर बोर के बीच में गैप आ जाता है और इंजन ऑयल जो होता है लिफ्ट होना शुरू हो जाता है कंबशन चैम्बर तक, तो वो बर्न हो जाएगा। इम्प्रॉपर लोकेशन ऑफ पिस्टन रिंग्स, इसका क्या मतलब है? इम्प्रॉपर लोकेशन यानी कि सही लोकेशन पे हम लोगों ने इंजन को फिट करते समय सही तरीके से नहीं लगाया था पिस्टन रिंग को, जिसकी वजह से वो ऑयल जो है लिफ्ट करना शुरू कर दिया ऑयल सम से और कंबशन चैम्बर में आ रहा है। तो सही तरीका क्या होता है? अगर डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी में हम लोग जो है वो 120 डिग्री पे लगाते हैं पिस्टन रिंग को, यानी कि एक का मुंह पिस्टन रिंग का मुंह एक का इस तरफ होगा, दूसरे का जो होता है उसका इस तरफ होगा 120 डिग्री पे, तो उनके बीच में 120 डिग्री का गैप होना चाहिए, समझ गए। अगर पेट्रोल गाड़ी की बात करें तो पेट्रोल गाड़ी के अंदर हम लोग 45 डिग्री के एंगल में पिस्टन रिंग लगाते हैं। तो ऐसा लगाने का रीज़न क्या होता है? ऐसा लगाने का रीज़न ये होता है कि ऑयल जो होता है वो डायरेक्टली, अगर हम एक ही दिशा में सारे के सारे रिंग लगा देंगे, मान लीजिए कि मैंने एक रिंग ऐसे लगाया और दूसरा रिंग भी उसके साथ में ऐसा लगा दिया, तीसरा भी ऐसा लगा दिया, तो ऑयल इस जगह से लिफ्ट करना शुरू कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं या बीच में गैप देके लगाते हैं, ताकि एक का मुंह इस तरफ रहे, दूसरे का इस तरफ रहे, तीसरे का इधर रहे, ऐसे लगाते हैं ताकि जो है ऑयल ऊपर तक लिफ्ट ना हो, ठीक है। इसीलिए पेट्रोल गाड़ी में 45 डिग्री रखते हैं, डीजल गाड़ी में 120 डिग्री के एंगल पे हम लोग पिस्टन रिंग को रखते हैं।
फिट करते हैं उसमें। कंप्रेसर जो होता है, पिस्टन रिंग कंप्रेसर जो होता है, उसको भी हम लोग जो है प्रॉपरली यूज करें लगाते समय, डैमेज ना करें पिस्टन रिंग को। वन ऑन डैमेज बॉल स्टेम सेल, बॉल स्टेम सील जो होती है वो कई बार, बॉल स्टेम सील जो होती है वो कई बार डैमेज हो जाती है, लीक कर जाती है। बॉल स्टेम की जो सील होती है, जो स्टेम जिसमें से निकलती है, उसमें से भी अगर वो डैमेज हो जाएगा तो ऑयल धीरे धीरे करके सिलेंडर हेड से स्टेम सील से लीक होता हुआ सिलेंडर हेड में पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया अधिकतर तब होती है जब गाड़ी खड़ी रहती है, रात में खड़ी करी आपने और सुबह जो है पिस्टन के अंदर कंबशन चैम्बर में ऑयल पहुंच गया। जब आप स्टार्ट करेंगे गाड़ी, स्टार्ट करने के बाद बहुत सारा धुआं निकलेगा सफ़ेद रंग का, साथ में काला धुआं, उसका मतलब है कि कहीं पे ऑयल सील लीक कर रही है। कौन सी वाली? स्टेम सेल की जो है, यानी कि जो वाल होते हैं, वाल की जो स्टेम होती है उसके बीच में सील होती है, वो लीक कर गई है। वो रीजन्स हो सकते हैं। ठंडी गाड़ी में आपको आसानी से पता चल जाएगा जब गाड़ी मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो वाइट स्मोक देगा उसमें। वन वॉल स्टेम, अगर वॉल का जो स्टेम है वो घिस गया है, यानी वॉल के जो डंडी होती है वो घिस गई है, स्टेम डंडी को कहते हैं, अगर वो घिस गई है तो स्टेम सील और स्टेम के बीच में गैप आ जाएगा और ऑयल अंदर तक पहुंचने लग जाएगा कंबशन चैम्बर में। तो ये रीजन हो सकते हैं कंबशन चैम्बर में ऑयल पहुंचने के और ऑयल कंजप्शन के। उसके अलावा उसके बाद आते हैं इंजन हेजिटेट। इंजन हेजिटेट का मतलब यानी कि इंजन सही तरीके से नहीं चल पा रहा, इंजन को चलते से वो वाइब्रेशन होती है या जर्क फील करता है चलते समय किसी भी गियर के ऊपर किसी भी स्पीड पे, तो वो हेजिटेशन कहला सकती है। आइडलिंग के ऊपर भी कह सकते हैं, उसको हम मिस फायरिंग कहते हैं। ठीक है, तो रीजंस क्या सर क्या सकते हैं? फॉल्टी स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग फॉल्टी है, स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया है, कार्बन डिपोजिशन ज़्यादा हो गया है, स्पार्क प्लग के बीच में कैप ज़्यादा हो गया है, या सबसे मेन रीजन होता है कि शॉर्ट हो गया है या कैप बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कैप बहुत कम है या ख़त्म हो गया है गैप तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आएगी। फ्यूल प्रेशर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, फ्यूल का जो प्रेशर था यानी कि जो पेट्रोल है उसका जो प्रेशर है वो प्रॉपरली नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में फ्यूल जा रहा है या नहीं जा पा रहा है फ्यूल सही मात्रा में, जिसकी वजह से इंजन जो है वाइब्रेट करेगा। अगर मान लीजिए कि हम एक आदमी को खाना खिलाते हैं और उसकी डेली की कैलोरी जो कंजप्शन है वो 2500 कैलोरी जू कैलोरी है और उसको हम लोग सिर्फ 1000 कैलोरी ही देते हैं पर डे की, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे करके बॉडी उसकी कमज़ोर हो जाएगी और वाइब्रेट करने लग जाएगा। उसी प्रकार से इंजन को अगर हम फ्यूल कम देंगे तो उस कंडीशन में इंजन को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, स्टार्ट रखने के लिए कोशिश करेगा, तो वो वाइब्रेट करेगा उस चीज़ उस जगह पर। इसीलिए फ्यूल कंजप्शन और फ्यूल की जो मात्रा है वो प्रॉपर जानी जरूरी होती है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ECT और मैप सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर अगर सही नहीं दे रहे, अगर कूलेंट का टेम्परेचर सही नहीं है या एयर का प्रेशर जो है वो सही मात्रा में, इनके दोनों सेंसर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे और रीडिंग ECM तक नहीं पहुंचा पा रहे तो उस कंडीशन में भी इंजन जो है वाइब्रेट करेगा। ECT इसलिए क्योंकि ECT अगर वर्किंग टेम्परेचर को नहीं बता पाएगा ECM को कि वर्किंग टेम्परेचर तक पहुंच गया है या बिलो द लाइन है, इंजन ठंडा है लेकिन वो रीडिंग दे रहा है जी 92 डिग्री की 98 डिग्री की ECM को, तो इसका मतलब है कि ECM जो है सही तरीके से फ्यूल की सप्लाई भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब मॉर्निंग के टाइम पे अगर मान लीजिए ECT टेम्परेचर सेंसर जो है 98 डिग्री टेम्परेचर देने लग जाए और गाड़ी स्टार्ट हुई है अभी, वो वार्म अप टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर पाया है, तो उस कंडीशन में ठंडे गाड़ी में क्या होता है कि ECM को फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाना होता है ताकि फ्यूल अधिक मात्रा में RPM बढ़ेंगे तो इंजन जल्दी गर्म हो जाएगा, तो अगर वो नहीं होगा तो इंजन हेजिटेट जरूर करेगा। मैप सेंसर के भी यही रीजन है। फॉल्टी इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी, अगर इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी जो होती है उसके अंदर जो एक्चुएटर होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे या उसकी गरारियाँ, उसके जो स्पॉकेट्स छोटे छोटे गियर्स होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी जो है इंजन वाइब्रेट करेगा। अब मान लीजिए कि ABP सेंसर की तरफ से कमांड आई थी 25% पे हम लोगों ने एक्सीलेटर पेडल दबाना है जबकि इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी ने 15% ही दबाया, तो एक्चुअल जो फिगर है वो नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से इंजन हेजिटेट करेगा। ABP सेंसर का भी सेम है, वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी और ABP, तो अगर एक में भी फॉल्ट है तो उस कंडीशन में इंजन हेजिटेट कर सकता है। अगर ये सेंसर खराब हो गया है, ABP सेंसर खराब हो गया है, तो उस कंडीशन में परमानेंटली इंजन हेजिटेट करने लग जाएगा, या इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी में कोई फॉल्ट आ गया है तो उसकी वजह से कंटिन्यूअसली इंजन हेजिटेट करने लग जाएगा, ये रीजन हो सकता है। ECM अगर फॉल्टी है तो भी इंजन हेजिटेट करता है, वाइब्रेशन या जर्क फील करेगा। इंजन ओवरहीटिंग, इंजन ओवरहीटिंग, अगर इंजन ओवरहीट हो गया है किस रीजन से? कूलेंट जो है वो खत्म हो गया, कूलेंट के अंदर हवा आ गई है, वाटर पंप काम नहीं कर रहा, रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा, रेडिएटर चोक हो गया है, थर्मोस्टेट स्विच वाल जो होता है वो चोक हो गया, थर्मोस्टेट वाल स्टक हो गया है, काम नहीं कर रहा है,
तो ये रीजन की वजह से भी जो है इंजन हेजिटेट करेगा, ओवरहीटिंग की कंडीशन में धीरे धीरे करके इंजन हेजिटेट करना लग जाएगा। लो कंप्रेसर, अगर कंप्रेशन कम है पिस्टन के, पिस्टन में जो कंप्रेशन होता है उसमें जो कंप्रेशन बनता है पिस्टन के और सिलेंडर के बीच में, तो वो कंप्रेशन अगर कम है तो उस कंडीशन में इंजन हेजिटेट करेगा, क्योंकि इंजन अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएगा और वाइब्रेट करेगा। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ आपको समझनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।